नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार की विधायी कामकाज पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक होगी। अर्थव्यवस्था में सुधार के मद्देनजर अगले वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान। उच्चतम न्यायालय की समिति ने नए कृषि कानूनों पर 11 राज्यों के 17 किसान संगठनों से बातचीत की। केंद्र ने राज्यों से फरवरी के पहले सप्ताह से अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण अभियान शुरू करने को कहा। और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री के साथ आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा की। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के साथ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में संसद के बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक दिन में 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। केंद्र ने इस बैठक के लिए दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। एक रिपोर्ट। इस बार सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने के बाद आयोजित की जा रही है। कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सामान्य तौर से सर्वदलीय बैठक संसद सत्र शुरू होने से पहले ही होती रही है। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की और निचले सदन का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने में सभी दलों का सहयोग मांगा। उधर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कल उच्च सदन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोरोना संकट को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें 5-5 घंटे पारियों में हो रही हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ नागरिकों से कायदे कानूनों का निष्ठा से पालन करने की अपेक्षा रखता है। श्री कोविंद ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित 3 कृषि कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार तथा शक्तियां प्रदान करना है। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया। मेरी सरकार आज न सिर्फ MSP पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों को हमारे किसान अपने परिश्रम से और आगे बढ़ा रहे हैं। श्री कोविंद ने कोविड महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार के समय पर उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जनता को महामारी से बचाने के साथ देश की अर्थव्यवस्था महामारी से हुए नुकसान से उबर रही है।
एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर वर्ल्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट सत्र के समय का उचित उपयोग होना चाहिए। संसद में कल बजट सत्र से पहले श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान करने का अवसर नहीं गंवाएंगे। इस दशक का पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020-21 में वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेज के रूप में कई छोटे छोटे बजट पेश करने पड़े थे, इसीलिए मौजूदा बजट सत्र को इन्हीं छोटे बजटों में से एक माना जाना चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े, यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय बजट 2021 को पेश करने का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आम लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के तीसरे वार्षिक बजट से कई आशाएं हैं। वित्तीय राजधानी मुंबई में आकाशवाणी संवाददाताओं ने डॉक्टर, कर विशेषज्ञ, गृहिणियों और आम लोगों सहित कई लोगों से केंद्रीय बजट 2021 को लेकर उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को लेकर बात की। वरिष्ठ होम्योपैथी डॉक्टर प्रफुल्ल बारवालिया ने होम्योपैथी को अधिक राशि आवंटित करने और मानसिक स्वास्थ्य सहित विकलांगता क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। इस महामारी में होम्योपैथी ने बड़ी भूमिका निभाई है। यह बजट होम्योपैथी को अधिक धन आवंटन के लिए प्रदान करना चाहिए। केंद्र सरकार को मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य के कई मुद्दों में कई गुना वृद्धि की है। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निधि में भी वृद्धि करनी चाहिए। कर सलाहकार हर्ष जैन ने अलग अलग आयकर स्लैब के लिए छूट के नियमों में बदलाव पर बल दिया। गृहिणी कृष्णाली संघराजका को आशा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ईंधन के मूल्यों में कमी आएगी। सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकाश वाडकर को रोजगार सृजित करने वाले इस बजट से कुछ योजना संबंधी आशाएं हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोजगार का निर्माण अनिवार्य है। एक दूसरे पर निर्भर कारोबार को अगर बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से रोजगार निर्माण का एक बड़ा अभियान चलेगा और लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था को चालना, यही इस बजट का उद्देश्य होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में वी आकार का आर्थिक सुधार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती और संकट से उबरने की क्षमता का प्रमाण है। विशाल टीकाकरण अभियान, सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सुधार तथा उपभोग और निवेश में तेज वृद्धि के बल पर यह आर्थिक सुधार हुआ है। कल संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है और मुद्रास्फीति का संज्ञान लेने वाली नॉमिनल जीडीपी 15.4% रह सकती है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सर्वोच्च स्तर होगा। प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉ कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम ने कहा कि बिजली की मांग, माल ढुलाई, ई वे बिल, जीएसटी संकलन
और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर यह वी शेप सुधार आया है। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखना होगा ताकि गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए उन तक समर्थन पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास अतिरिक्त साधन हो। उच्चतम न्यायालय की समिति ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर 17 किसान संगठनों के साथ कल बातचीत की। इसमें 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने भाग लिया और कृषि कानूनों पर खुलकर अपने विचार सामने रखे। उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को इस समिति का गठन किया था। समिति सभी पक्षों से चर्चा कर कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देगी। 3 सदस्यों वाली इस समिति में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और डॉ प्रमोद जोशी तथा शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवात शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज से प्रस्तावित अपनी भूख हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अन्ना हजारे से भूख हड़ताल न करने का अनुरोध किया था। श्री फडणवीस ने बताया कि एक समिति गठित की गई है जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री, नीति आयोग के सदस्य और अन्ना हजारे शामिल हैं। ये समिति किसानों के मुद्दों पर विचार कर उनके समाधान के प्रयास करेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार के विधायी कामकाज पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आज। अर्थव्यवस्था में सुधार के मद्देनजर अगले वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान। उच्चतम न्यायालय की समिति ने नए कृषि कानूनों पर 11 राज्यों के 17 किसान संगठनों से बातचीत की। केंद्र ने राज्यों से फरवरी के पहले सप्ताह से अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण अभियान शुरू करने को कहा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री के साथ आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाना शुरू करें। स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाने के लिए 16 जनवरी से शुरू हुआ अभियान भी साथ साथ जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अग्नानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है। अब तक इस डेटाबेस में 61 लाख अग्रणी कार्यकर्ताओं के नाम हैं जो कोविन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। टीकाकरण के पहले चरण में देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को कोरोना का टीका लगाया जाना है। राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक उपलब्ध करा दी गई है। पत्र में राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दोनों दवाओं की उपलब्धता के अनुपात में ही टीकाकरण की योजना बनाई जानी चाहिए। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। कल तक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लगभग 33 लाख से अधिक कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल शाम तक 62,939 सत्रों के माध्यम से कुल 33,68,734 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। कुल 10,061 सत्र कल आयोजित किए गए। कोविड टीकाकरण अभियान के 14वें दिन कल 4,40,681 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड का टीका लगाने का काम 5 फरवरी तक पूरा करने का आदेश दिया है। इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं का टीकाकरण आरंभ होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल देश भर में सबसे अधिक टीके उत्तर प्रदेश में लगाए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल प्रदेश में 1,68,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया, जो कि लक्ष्य का 75% था। टीकाकरण का काम प्रदेश भर में 2076 स्थानों पर किया गया। राज्य सरकार ने सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण के लिए तय किया है और पिछले 2 दिनों में 2,94,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाने का काम 5 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी से ही अग्रिम पंक्ति के
कर्मचारियों को भी टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक 25 मार्च तक देने का लक्ष्य रखा गया है। 25 मार्च से प्रदेश में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड के टीके लगाने का काम शुरू होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड टीकाकरण का काम हर एक जिले की जरूरत के अनुसार सप्ताह के सातों दिन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सत्र स्थलों की संख्या वर्तमान के 300 से बढ़ाकर 500 के करीब की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन करीब 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में अब तक 1,06,025 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 5,62,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल निर्धारित लक्ष्य के लगभग 59% टीके लगा लिए गए। प्रदेश में अब तक 2,46,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। कल 50,900 से अधिक व्यक्तियों को टीका लगाया गया। सबसे अधिक टीकाकरण मंडला, डिंडौरी और अलीराजपुर जिलों में 100% रहा है। शाजापुर में 99% और भिंड में 97% दर्ज किया गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल 3,503 टीके लगाए गए, जो निर्धारित लक्ष्य का 46% रहा। इस बीच 3 फरवरी को एक अतिरिक्त सत्र टीकाकरण के पहले चरण में भाग न ले पाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आयोजित किया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगभग 97% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 455 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 370 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस तरह से प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के करीब 3,05,000 मामले मिल चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमित करीब 2,97,000 लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 455 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। कल प्रदेश में कोविड 19 से 4 लोगों की मौत हुई है। अब तक छत्तीसगढ़ में कोविड 19 के कारण 3,689 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में 4,358 कोरोना पॉजिटिव लोगों का अस्पताल या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। राज्य में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण शुरू होने के बाद से अब तक 62,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में अब तक 2,12,737 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य के लगभग 62% स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूरा हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 1200 से अधिक केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुजरात में कल 56,935 लोगों को कोविड 19 के टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में कुल 3,44,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों में से अब तक 2,12,737 लोगों को टीके दिए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान राज्य में 1,200 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर चलाया जा रहा है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 संक्रमण के 335 नए मामले सामने आए। कल 463 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.94% हो गई है। संक्रमण के 77 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि वडोदरा में 89 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 3,589 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 42 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल एक मरीज की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,385 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में कल 11,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। राज्य ने पहले चरण के टीकाकरण अभियान के दौरान 10 फरवरी तक करीब 3,50,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। बहरीन के शहजादे और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद ने कोविड वैक्सीन की खेप पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को धन्यवाद दिया है। शहजादे के कार्यालय ने कहा है कि ये भारत की वैश्विक उदारता और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है। ट्विटर पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहरीन के शहजादे और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि भारत को कोविड से लड़ने में बहरीन को हिस्सेदार बनाने पर गर्व है और दोनों देश दीर्घकालीन रिश्तों को मजबूत करते रहेंगे। दिल्ली सरकार 5 फरवरी से 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए भी विद्यालय खोलने जा रही है। इसके साथ ही डिग्री डिप्लोमा देने वाले शैक्षणिक संस्थान, यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन संस्थानों और विद्यालयों को 10वीं और 12वीं कक्षाओं की तर्ज पर ही खोला जाएगा, जिनमें विद्यार्थी सीमित संख्या में आकर प्रैक्टिकल करने के साथ अपने प्रोजेक्ट भी जमा करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त वो अध्यापकों से विषय परामर्श भी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार सरकार ने भी 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी स्कूल कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष की 14 मार्च से बंद थे। सभी स्कूलों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और इस सिलसिले में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में भीड़ प्रबंधन के लिए आगामी 1 फरवरी से स्थानीय लोगों को व्यस्त समय के दौरान तय समय सीमा के भीतर लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सुबह 1 लोकल शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से लेकर आखिरी लोकल सेवा चलने तक लोगों को स्थानीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। असम में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का असम गण परिषद के साथ गठबंधन बना रहेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि पार्टी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के साथ मिलकर राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बोडोलैंड क्षेत्र में भाजपा और यूपीपीएल सत्तारूढ़ हैं। श्री रंजीत कुमार ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय समिति राज्य समिति के साथ परामर्श कर सीटों का बंटवारा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव की ही तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर स्थानीय दलों को टिकट दिए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा रद्द हो गया है। वे कल रात कोलकाता पहुंचने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के वक्तव्य में कहा गया है कि गृहमंत्री अमित शाह के आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अमित शाह राज्य के अपने 2 दिन के दौरे में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले थे और कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले थे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी जॉन ब्लिंकेन से टेलीफोन पर बातचीत की। डॉ एस जयशंकर ने उन्हें अमरीकी विदेश मंत्री नियुक्त होने पर गर्मजोशी से बधाई दी और उनकी नई जिम्मेदारियों की कामयाबी की कामना की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और उसे विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने मजबूत रक्षा और सुरक्षा रिश्तों, बढ़ते आर्थिक संबंधों, उत्पादक स्वास्थ्य देखभाल सहयोग और लोगों के बीच मजबूत संपर्क को इसके महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में सराहा। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। '48 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। राष्ट्र आज देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वालों की याद में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोगों को गांधी जी के शांति, अहिंसा, सरलता और विनम्रता के आदर्शों को अपनाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। नवीन, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां हैं। मुकेश, राष्ट्रपति का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण की खबरें सभी अखबारों में प्रमुखता से हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है, सोच विचार कर बने हैं खेती कानून। हिंदुस्तान के अनुसार राष्ट्रपति बोले, कृषि कानूनों पर शीर्ष अदालत का फैसला मानेगी सरकार।
जनसत्ता के अनुसार श्री कोविंद ने कहा, लाल किले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा, कृषि कानूनों से 10 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, आर्थिक सर्वेक्षण ने प्रस्तुत की गुलाबी तस्वीर। अमर उजाला का शीर्षक है, निवेश, खपत और रोजगार से मिलेगी जीडीपी को रफ्तार। ई एजुकेशन से शैक्षिक समानता की खाई पाटने में मदद मिलेगी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, अगले साल चीन से आगे रहेगी हमारी जीडीपी की दर। इस साल कोरोना ने दिए झटके, लेकिन अब तेज रफ्तार से दुरुस्त होगी अर्थव्यवस्था। राजस्थान पत्रिका ने बीटिंग रिट्रीट की खबर सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया ऐतिहासिक विजय चौक। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एलोपैथी और आयुर्वेद के मिलन से शुगर का इलाज। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने खोजी BGR-34 की एंटी डायबिटिक क्षमता। नवभारत टाइम्स के अनुसार भारतीय सेना ने छिपे आतंकियों की लोकेशन पता लगाने के लिए तैयार किया माइक्रोकॉप्टर। पत्र के अनुसार ये किसी भी बिल्डिंग में घुसकर आतंकी के बारे में सीधी जानकारी 100 मीटर दूर ऑपरेटर को दे सकता है। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, पाकिस्तानी बच्चे के लिए जुटा श्रीगंगानगर। कोई मामा मौसी बन कपड़े लाया तो किसी ने खिलाया खाना, नाम रखा गंगा सिंह। पाकिस्तानी परिवार की अस्पताल में आवभगत, एक दिन पहले हुआ था इस बच्चे का जन्म। जनसत्ता ने मनमोहक शीर्षक से लिखा है, बंजर जमीन पर खिले हिमालय के दुर्लभ फूल। चमोली की मंडल घाटी में बिखरी घटा, उत्तराखंड में ऑर्किड की लगभग 238 प्रजातियां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार के विधायी कामकाज पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आज। अर्थव्यवस्था में सुधार के मद्देनजर अगले वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान। उच्चतम न्यायालय की समिति ने नए कृषि कानूनों पर 11 राज्यों के 17 किसान संगठनों से बातचीत की। केंद्र ने राज्यों से फरवरी के पहले सप्ताह से अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण अभियान शुरू करने को कहा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री के साथ आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।